हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी का। और जैसा कि आप सभी जानते हो, 26 जनवरी आने वाला है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 जनवरी के बारे में। क्योंकि आप सभी जानते हो, 26 जनवरी को हम सभी मनाते हैं और कंटिन्यू मनाते रहेंगे, लेकिन 16 जनवरी को क्यों मनाएंगे, 16 जनवरी को आखिरकार क्या हुआ ऐसा। तो आइए इस छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। आजादी के 75वें वर्ष में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया है कि 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाएंगे, जो कि 2022 के फर्स्ट मंथ का काफ़ी अच्छा स्टेप है। इस स्टेप के माध्यम से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि स्टार्टअप जैसे वर्ड का उपयोग जब बार बार होगा स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो लोग इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे। और जब इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे तो यहाँ से ग्रोथ का पहला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं आखिरकार स्टार्टअप जैसा वर्ड आखिरकार हमारी देश की सरकार ने क्यों लिया और इसी साल क्यों लिया, इससे पहले किसी सरकार ने स्टार्टअप डे की शुरुआत क्यों नहीं की। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास को समझना पड़ेगा कि पिछले बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये स्टेप लेना पड़ा। तो आइए हम समझते हैं, 2021 के अंदर कुछ ऐसे कांड हुए हैं, मतलब अच्छे कांड हुए हैं, जिसकी वजह से स्टेप लिया गया। तो मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि 2021 के अंदर 42 ऐसे छोटे मोटे स्टार्टअप, मतलब छोटी मोटी कंपनियाँ जो कि यूनिकॉर्न बनी है, जो कि 2021 की एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये यूनिकॉर्न क्या है। तो यूनिकॉर्न को अगर आप सिंपल और सरल लैंग्वेज में समझोगे तो यूनिकॉर्न से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से होता है जिस कंपनी की वैल्यू 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो वो कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। ऐसे ही जब कोई छोटा मोटा स्टार्टअप होता है, अगर उसकी वैल्यू भी 7,500 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो वो भी यूनिकॉर्न कहलाता है। तो ये सबसे बड़ी बात थी जो कि 2021 के अंदर हुई। उसके अलावा 2021 के अंदर $35 बिलियन स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया गया है, इंडिया के लोगों के द्वारा और इंडिया के बाहर के लोगों के द्वारा। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि $35 बिलियन कितना अमाउंट होता है, आप INR में कन्वर्ट करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना अमाउंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अलावा क्या हुआ, तो इसके अलावा भी इंडिया की 13 कंपनी जो कि NSE और BSE में लिस्ट हुई हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी एक कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बनी है। तो जितने भी लोग क्रिप्टो के यूजर हैं, मतलब जितने लोग क्रिप्टो में लेन देन करते हैं या फिर एक्सचेंज चलाते हैं, तो हो सकता है उस कंपनी का आप एक्सचेंज यूज कर रहे होंगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो अगर हम बात करें उस कंपनी के नाम की, तो उस कंपनी का नाम है CoinDCX। जी हाँ दोस्तों, CoinDCX जो कि एक एक्सचेंज है, यहाँ पर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, साथ ही यहाँ पर होल्ड करके भी रख सकते हो और फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है और अच्छी न्यूज है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री से भी कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर काम हो रहा है, अच्छी ग्रोथ हो रही है इंडिया लेवल पर। और आप सभी जानते हो इंडियन गवर्नमेंट सीरियस हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी को लेकर और उसको रेगुलेट करके और कहीं ना कहीं आपको सहयोग देने के लिए बहुत सारी रेगुलेशन ला रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में लीगल तरीके से काम कर पाएंगे। तो फाइनली ये सारी चीज़ें 2021 के अंदर हुई, जिसकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को डिसाइड करना पड़ा कि 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाएंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि कोई भी जब ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।
तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।